वहीं भोपाल में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह के केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों के तालिबानी से संपर्क होने और उसकी जांच करने के ट्वीट पर जमकर हमला बोला। विजयवर्गीय ने कहा, दिग्विजय सिंह किसके संपर्क में है, अभी इसकी जांच हो रही है। जब उनसे पूछा गया कि कौन सी जांच एजेंसी इसकी जांच कर रही है, तो बीजेपी नेता ने कहा कि अभी कुछ बातें हैं जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाना सकता। वहीं महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान से बातचीत करने की सलाह पर उन्होंने कहा, इस मामले में केंद्र सरकार का रुख बिल्कुल साफ है, इसमें महबूबा मुफ्ती की सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है। शरद पवार के साथ गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों की बैठक और पूर्व सीएम कमलनाथ की मुलाकात पर उन्होंने कहा, यह बात तो साफ है कि विपक्षी दलों में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर घबराहट है। वहीं इंदौर में भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बीजेपी शहादत दिवस के रूप में मनाती आई है। कोरोना काल में भी बीजेपी कार्यकर्ता एक ओर जहां मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाने की तैयारी में, तो वहीं कांग्रेस को अब इस पर आपत्ति है। कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव का आरोप है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश के लिए बलिदान नहीं दिया, उनकी मौत सामान्य हुई है। उनका आरोप है, किसी भी व्यक्ति की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस कहना शहीदों का अपमान है। तो पुण्यतिथि को बलिदान कहना शहीदों का अपमान बताया है यहां कांग्रेस ने। बीजेपी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई, जिस पर कांग्रेस ने बलिदान दिवस के रूप में इसे मनाने पर आपत्ति व्यक्त की। कांग्रेस का कहना है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत सामान्य रूप से हुई थी, उन्होंने कोई बलिदान नहीं दिया, इसलिए ऐसे व्यक्तियों की पुण्यतिथि को मनाना, बलिदान दिवस उसे करार देना शहीदों के अपमान के बराबर है। वहीं शिवपुरी में अवैध शराब कारोबारियों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 20 लीटर शराब और 20,000 किलो गुड़ और लहन जब्त किया। इसके अलावा चालू भट्टिया शराब बनाने का सामान भी जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 11 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि आबकारी विभाग इलाके में लगातार अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान चला रहा है और इसी के तहत ये कार्रवाई जिसे अंजाम दिया गया। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। अवैध शराब माफिया पर पुलिस का शिकंजा कुछ इस तरह से कसता हुआ नजर आया। शिवपुरी से ये तस्वीरें सामने आई है, ये कार्रवाई का मामला सामने आया है। 11 लाख के आसपास की कीमत का गुड़ और लहन वहां पर नष्ट हुआ है। सोचिए कितने बड़े स्तर पर ये लोग अपना जहरीली शराब का, अवैध शराब का कारोबार चला रहे थे। पुलिस ने फिलहाल इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जो लहन छिपाकर रखा गया था जमीन के नीचे, देखिए किस तरह से गड्ढे बनाकर उनमें वो लहन और अवैध शराब को बनाने की सारे सामान जो रखे हुए थे, पुलिस ने उन्हें भी जब्त करके नष्ट किया है। वहीं शिवपुरी में एसपी कार्यालय में रिटायर्ड डीएसपी सुरेश सिंह सिकड़ावर के ऊपर हमला करने वाले मुख्य आरोपी सौरभ चौहान और उसके छोटे भाई ने पुलिस के सामने जाकर सरेंडर कर दिया है। बता दें ये पूरा मामला जमीनी विवाद को लेकर हुआ है, ये जानकारी सामने आ रही है, जिसमें आरोपी सौरभ चौहान ने रिटायर्ड डीएसपी को जाकर गोली मार दी थी। इसके बाद से ही दोनों भाई फरार बताए जा रहे हैं। अब पुलिस ने मुख्य आरोपी से पूछताछ फिलहाल शुरू कर दी है और अन्य लोग जो अभी भी फरार है उन्हें भी ढूंढने की पुलिस की जद्दोजहद जारी है। दो आरोपियों ने, बता दें आपको, सरेंडर कर दिया है। रिटायर्ड डीएसपी सुरेश सिंह को गोली मारने का ये पूरा मामला, जिसमें पुलिस फिलहाल सरेंडर करने वाले दोनों ही आरोपियों से अब पूछताछ कर रही है। मामले में जो अन्य लोग आरोपी है, फरार है, उन्हें भी ढूंढा जा रहा है। आरोपियों से पूछताछ के जरिए इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश में पुलिस फिलहाल लगी हुई है। जो जमीन विवाद था उसका, सरकारी जमीन का विवाद था, उसी के ऊपर केस वेस दायर कर दिया था, पापा को अरेस्ट करवा दिया था। उसके बाद ये घटना हो गई, मैं तो पता ही नहीं पड़ा किसका कैसे हुई है, क्या हुई है, जिस वो हुआ जब मालूम पड़ी है किसने मारी है गोली। हाँ, अभी तो आगे पता पड़ेगा, इसका तो कुछ कोर्ट में चलेगा था।
जिले के देवसर बिजली विभाग महकमे की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिससे जमीन पर गिरी 11,000 केवी लाइन को समय रहते ना हटाने से तार की चपेट में 11 गौ पशु आ गए, जिनकी करंट लगने से मौत हो गई। बता दें, जियावन गांव के सेमरा नदी के पास कल से ही बिजली की तार टूटकर पड़ी हुई थी, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने देवसर बिजली विभाग के आला अधिकारियों को भी दी थी। बावजूद इसके प्रशासन ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और इसका खामियाजा बेचारे पशुओं ने भुगता। सुबह खेत में चरने निकले दर्जनों गौ पशुओं की करंट की चपेट में आने की वजह से जान चली गई, उनकी मौत हो गई। तो बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही की घटना यहां देवसर में सामने आई है। करंट लगने से 11 गौ पशुओं की मौत हो गई। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही इस लिहाज से क्योंकि जब बिजली की तार वहां पर टूटकर गिरी हुई थी, ग्रामीणों की तरफ से इन्फॉर्म किया गया था बिजली विभाग के अधिकारियों को और कहा गया था कि जल्द से जल्द इस तार को वहां से हटाया जाना चाहिए, वरना लोगों की जान पर बना सकती है। लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया विभाग की तरफ से और नतीजा ये कि 11 गौ पशुओं की करंट लगने से मौत हो गई। रात को बिजली का तार टूटने से तार जमीन बिगड़ पड़ा था और सूचना रात को बताया जा रहा है गांव निवासियों के द्वारा कि रात को ही सूचना दे दी गई थी, लेकिन बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी कर्मचारी बिजली का तार न जोड़ने के लिए न बिजली का ये लाइन काटने के लिए कोई वहां पहुंचा, जिसके कारण सुबह मवेशी उसके घास चरने के लिए उधर गए तो उसमें बिजली के तार के चपेट में आ गए, जिसके कारण 11 मवेशियों की मृत्यु हो गई। वहीं नरसिंहपुर जिले में नर्मदा सहित दुधी और सीता रेवा नदी में हो रहे अवैध उत्खनन को लेकर करेली निवासी सामाजिक कार्यकर्ता रमाकांत कौरव ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए 28 मई को एनजीटी न्यायालय ने संयुक्त जांच दल का गठन किया। जांच की पूरी रिपोर्ट 6 हफ्ते में पेश करने के आदेश दिए गए, जिसके तहत जांच दल धनलक्ष्मी कंपनी द्वारा संचालित नर्मदा के कई क्षेत्रों में जांच करने के लिए पहुंची। तो जांच की टीम फिलहाल लगी हुई है मौके पर जाकर मुआयना करते हुए मामले की तफ्तीश करते हुए, क्योंकि जांच के आदेश जो दिए गए थे उसके बाद जांच टीम का गठन हुआ। जांच टीम मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई। 6 सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश उन्हें मिले हैं, तो 6 हफ्तों के अंदर अंदर उन्हें अपनी पूरी रिपोर्ट बनानी होगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।